एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक शिकारपुर में स्थित सलेमपुर गांव पड़ाव। वर्तमान में गांव के प्रधान हरेंद्र सिंह हैं। लगभग 8000 की आबादी वाले यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। लगभग 4900 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 800 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में 165 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 125 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 20 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 11 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, पंचायत घर, शमशान घाट, स्कूल में शौचालय व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी की टंकी, बैंक, रोडवेज स्टैंड, स्वास्थ्य केंद्र, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। महेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान सलेमपुर, ब्लॉक शिकारपुर, जनपद बुलंदशहर। गाँव में साफ सफाई कार्य ठीक ठाक है सब, और 3 तो नए खंजे लगवाए अभी हमने, 3 खंजा रिपेयर कराए हैं और 100 मीटर लंबा नाला बनवाया है, काफ़ी चौड़ा है, पानी की बहुत सुविधा उससे हुई, 100 शौचालय बनवाए हैं और जी तुम्हारा पंचायत घर रिपेयर कराया है, शमशान घाट नए स्तर से तरीका से बढ़िया बनवाए हैं सरकार की मदद से, जूनियर हाई स्कूल रिपेयर किया है और 6-7 टेल रोड बनवाई है बड़ी लगभग 150 मीटर की, और ये विकास कार्य हैं। और हमारे यहाँ समस्या है, काफ़ी पानी की समस्या है, जो रोड पर पानी जा रहा है उसको पानी की वो लेनी है, मेन रोडों पर तालाब से दूर है, नाले नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक। और एक मेन रोड है हमारे गांव में जो सुजावली रोड है, मांगलोर हुतला रोड, लगभग 1 किलोमीटर है, वो टूटी पड़ी है, कोई उसको नहीं करा रहे, नेता कोई नहीं करा रहे, ना ही PWD में आ रही है, वैसे वो जिला पंचायत से हो गई बीच में, तो हमें यह कि PWD से हो जानी चाहिए, काफ़ी बड़ी रोड है। दूसरा पानी की टंकी की समस्या है, पानी टंकी होनी चाहिए गांव में, पास करा दी थी पहले, अभी पेंडिंग पड़ी है। और गांव में एक बैंक है हमारे यहाँ, 12-14 गाँव लगते हैं, बहुत समस्या है उसमें, बैंक दूसरा होना चाहिए गाँव में। इसी तरह हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टॉप नहीं है, काफ़ी सवारी यहाँ टम्पू में लद के जाती हैं, जो बहुत किसी का हाथ से कितने बार हो गए हैं, कितने लोग की मौत हो गई है इसमें, रोडवेज स्टैंड होता है यहाँ, काफ़ी समस्या ख़त्म हो जा 10-12 गांव लगते हैं। स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में नहीं है, बुलंदशहर 14 किलोमीटर है, शिकारपुर 8 किलोमीटर है, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। शौचालय की समस्या एक है हमारे यहाँ गांव में, छोटे कुछ गलियों में, गली पतली पतले घर हैं, 50-50 घर हैं, वहाँ कच्चे शौचालय बनवाने तैयार नहीं हैं लोग, जो गड्ढे वाले सोखता वाले, वो ये कहते हैं हमारे तो घर गिर जाएंगे, छोटे घर हैं उनके, कुल 50 घर में 40 घर में घर हैं, तो कच्चे सोखता से बनवाओ, और गरीब पात्र हैं वो, शौचालय के पात्र हैं वो, उन्हें कैसे बने, ये बहुत समस्या आ रही है सब। पानी टंकी हो गई, यही समस्या है हमारी। और एक समस्या और है कि हमारे यहाँ जो विकास कार्य हो रहे हैं, सरकारी रेट ईंटों कम कर दिए हैं, सरकारी रेट कम कर दिए हैं, और यहाँ रेट बढ़ गए हैं, भट्टों पे ईंट के रेट ज़्यादा हैं, हमारी मार्केट भट्टों जहाँ भी देखो आप घूम के, ईंट के रेट ज़्यादा हैं और सरकार ने रेट और कम कर दिए पहले से,